हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने योग्य चुनाव यह पाठ के फर्स्ट वीडियो में देखा कि एक वृत्त, उसके बैलगाड़ी का एक पहिया मतलब बैलगाड़ी का एक व्हील कीचड़ में फंस गया था। उसने बहुत कोशिश की पर वो निकालने के लिए असफल रहा कीचड़ में से। जिधर उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था, वही रास्ते पे से सारे उम्मीदवार, सारे कैंडिडेट्स जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। तो एक उम्मीदवार आता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। कैंडिडेट का नाम है कर्मवीर। देखो फर्स्ट लाइन, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। ये सब जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स राजदरबार की ओर से जा रहे थे, उसमें से एक युवक मतलब यंग पर्सन, उसका नाम क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब पुअर, गरीब। परिवार मतलब फैमिली, और प्रतिभाशाली मतलब एकदम ब्रिलियंट, होशियार। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध जब बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, तब यह दृश्य कर्मवीर ने देखा। दरबार पहुंचने के लिए देर हो जाएगी, इसकी चिंता न करते हुए उस वृद्ध की मदद करने के लिए कर्मवीर कीचड़ में उतरा। वह जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। दरबार पहुंचने के लिए देर हो जाएगी, मैं कीचड़ में उतरा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा उसने सोचा क्या? कर्मवीर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। कर्मवीर ने वृद्ध की मदद की, इसलिए खुश होकर उसने कर्मवीर को ढेरों सारे आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स दिए, और इनाम मतलब बख्शीस में कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने उसको पैसों की लालच नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया? विनम्रता से मतलब पोलाइटली इनाम लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ देखो। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। आशंका मतलब डाउट। पहिया निकालने के लिए उसको टाइम लगा, दरबार पहुंचने के लिए फिर वो भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, बहुत भागने के बाद थक जाते हैं ना हम लोग और हाँफने लग जाते हैं, वैसा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्यों सने थे कर्मवीर के कपड़े? क्योंकि उस वृद्ध इंसान का फंसा हुआ पहिया विल निकालने के लिए कर्मवीर कीचड़ में उतरा, इसलिए उसके कपड़े कीचड़ से मड़ से भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अभी राजदरबार में जाना है तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के राजदरबार में जाते हैं ना, लेकिन कर्मवीर के कपड़े तो कीचड़ से भरे हुए थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। अभी कर्मवीर के साथ वो जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था ना, वो भी राजदरबार में पहुंचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री
जगतराम थे। वो बूढ़े इंसान कौन थे? वो राजा के मंत्री जगतराम थे। लास्ट पैराग्राफ देखो। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। अभी देखो, वो मंत्री थे, उन्होंने जानबूझ के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा दिया था। वे परीक्षा लेना चाहते थे। यह सब कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का एक टेस्ट था। यह टेस्ट में कौन पास हुआ? कर्मवीर पास हुआ। दरबार में मंत्री जगतराम ने राजा से सारी कहानी सुनाई और क्या कहा? ये मंत्री बनने के लिए सारी क्वालिटीज किस में है? कर्मवीर में है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए, मतलब राजा बहुत खुश हो गए सुन के। उन्होंने कहा, राजा ने क्या कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, पीड़ा मतलब दुख। राजा ने क्या कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। मतलब जगतराम मंत्री जो एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह बैलगाड़ी के पास बैठे हुए थे, तो उनका दर्द देख के कर्मवीर भी दुखी हो गया। अरे बेचारे का पहिया फंस गया है, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा उसको लगा ना। तो जगतराम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह नए मंत्री के लिए राजा ने कर्मवीर की नाम की घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी। थैंक यू।